वेलकम बैक टू जेजेस किचन। मैं हूँ आपकी फ्रेंड ज्योति जानी। फ्रेंड्स, दिवाली में बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, बहुत सारे नाश्ते किए, बहुत सारी मजा की, तो आज मैं आपके लिए फॉर अ चेंज रेस्टोरेंट स्टाइल स्टार्टर लेके आई हूँ। उसका नाम है केजुन पोटेटोज, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए तो हम फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने बेबी पोटेटोज लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैंने दो विसल करके बॉईल कर लिया, यानी 70% हमारे आलू जो ये बेबी पोटेटोज है वो बॉइल्ड है। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ये प्लेट में, इस तरह से। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ये कांच की बॉटल ली है। इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से हम इस तरह से प्रेस करेंगे, ये कोई भी शेप पकड़ सकता है। ये देखिए, इसको मैंने हल्के हाथ से प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर हम पोटेटोज के लिए स्लरी बनाएंगे। ये यहाँ पर मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है, ये हम 2 टेबलस्पून ले रहे हैं। और ये मैदा है, रिफाइंड फ्लोर है, ये भी 2 टेबलस्पून। उसका प्रपोर्शन दोनों का सेम रहेगा। से कंसिस्टेंसी से हमें रनी थोड़ा चाहिए, इसीलिए हम उस तरह से बनाएंगे। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए, इस तरह से रनी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, तो हमारी स्लरी जो है हमने बना ली है। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल के पैन को गरम कर लिया है। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब ये पोटेटोज को वन बाय वन मैं ये स्लरी में डीप करके हम इसको ऑयल में डालेंगे। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना है। इसको ना थोड़ा हम पलटेंगे। हम थोड़ा उसको गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक उसको शैलो फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पोटेटोज देखो, थोड़े से यहाँ पर ब्राउन हो गए हैं और एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो मैं इस स्टेज पे यहाँ पर इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए, हमारे पोटेटो शैलो फ्राई होके रेडी है। ये एकदम क्रिस्पी है, हमने जो स्लरी में उसको डिप करके इसको शैलो फ्राई किया, इसीलिए ये क्रिस्पी हुआ है। तो अगर स्लरी नहीं करेंगे तो वो लूज हो जाएंगे। केजुन सॉस बनाने के लिए ये बाउल में मैं ये 2 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड करूँगी। ये 1/3 कप है मेजरमेंट के हिसाब से। ये 1 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड सीड सॉस लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना ही सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेयो में भी सॉल्ट होता है। यहाँ पर 2 टीस्पून जितना मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून ओरिगेनो है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 2 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर मैं ऐड करूँगी। अब ये सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपको गार्लिक और ऑनियन का फ्लेवर पसंद है तो आप गार्लिक और ऑनियन का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। इसमें हमको थोड़ा कंसिस्टेंसी लिक्विड टाइप चाहिए, तो मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करूँगी। पर इतना ध्यान रखना कि ये रनी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, वरना ये मज़ा नहीं आएगा इसमें। मैं थोड़ा सा और ये मिल्क ऐड कर रही हूँ बस। यानी ये मैंने यहाँ पर 1/4 कप मिल्क लिया है, उसका मैंने आधा ही यूज़ किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। ये हमने मिक्स कर लिया है। देखो, ये हमारी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा, ना गाढ़ा ना रनी। अब हम ये पोटेटोज को इसमें सर्व करके हम हमारा क्यूजन सॉस जो हमने रेडी किया है वो इस पर हम स्प्रेड कर देंगे।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर गेस्ट है तो आप इसको स्टार्टर में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, आप इसको ज़रूर बनाना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। मैंने यहाँ पर देखिए क्यूजन सॉस स्प्रेड कर दिया है। अब इस पे गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप प्याज के छोटे छोटे पीसेस करके काट के इस पे स्प्रेड लगा सकते हैं, टमेटोज डाल सकते हैं, आपको जैसा पसंद है। मैंने यहाँ पर ये पेरी पेरी मसाला लिया है, मैं थोड़ा सा इसमें इस तरह से छिड़क रही हूँ। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है फ्लेवर तो आप चिली फ्लेक्स भी ऊपर से डाल सकते हैं। और ये अब मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, ये मैंने बारीक धनिया कटी हुई इसमें मैं डाल रही हूँ। देखिए कितना लवली है ना, मुंह में पानी आ गया ना, तो आप इसको ज़रूर बनाना। पसंद आई ना रेसिपी, तो आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आपके कमेंट्स लिखना आपको कैसा लगा, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।